लेकिन बच्चों लास्ट क्लास में हमने डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया कंपैरिजन विद द नेबर्स हमने किया था, और इसमें मैंने आपको पाकिस्तान, इंडिया और चाइना के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन दी थी कि आपको इंडिया पाकिस्तान चाइना की यानी डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया कंपैरिजन विद नेबर के फर्स्ट पार्ट में आपको मिल जाएगा। आप उस फर्स्ट पार्ट को देख लें, फिर इस क्लास में जो आप यानी सेकेंड पार्ट को आप देखें तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए, हम एनसीईआरटी में कुछ डेटा दिया हुआ है और उस डेटा के बेस पे आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इस चैप्टर में से। वो क्वेश्चंस क्या हो सकता है, जैसे आपके पास कुछ डेटा मैंने लिखे हुए हैं, ये सारे डेटा है, कोई एक टेबल आपको दे देगा, बोलेगा ये टेबल में आप कंपैरिजन कीजिए, कंपेयर कीजिए और एनालाइज कीजिए। इस तरह से क्वेश्चंस सीबीएसई के बोर्ड में आते हैं आपके, ठीक है ना। तो मैंने ये कुछ टेबल्स लिख दिए, मैं आपको अभी एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि क्वेश्चन कैसे पूछेगा। जैसे देखते हैं, टॉपिक है डेमोग्राफिक इंडिकेटर। ये जो डेटा दे रखा है ना, वो आपको एनसीईआरटी का ही डेटा देना है, आप अपने हिसाब से कोई भी डेटा ना ले, जो एनसीईआरटी में गिवन है वही डेटा के साथ आपको आगे जाना है। तो जो डेटा जो एनसीईआरटी में गिवन है, जैसे मान लीजिए सबसे पहला है डेमोग्राफिक इंडिकेटर। डेमोग्राफिक इंडिकेटर में क्या क्या चीजें हैं, तो डेमोग्राफिक इंडिकेटर में इंडिया, चाइना और पाकिस्तान में हमारे पास अलग अलग चीजें हैं, जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन है, एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन क्या है, डेंसिटी कितनी है, जेंडर रेशियो क्या है, सेक्स रेशियो जिसे बोलते हैं, फर्टिलिटी रेट क्या है, अर्बनाइजेशन, शहर कितने हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें, जैसे मान लेते हैं 35.2 करोड़, ये हमारा मिलियन में गिवन है। मिलियन में क्या होता है, मिलियन से अगर आपको कन्वर्ट करना है करोड़ में, तो 10 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। इंडिया की पॉपुलेशन है 135, यानी 1352 मिलियन, यानी 135.2 करोड़ के अराउंड। चाइना की पॉपुलेशन है हमारे पास 1393, पाकिस्तान के 212 मिलियन, यानी 21 करोड़ के आसपास, हमारे उत्तर प्रदेश से भी कम है। उसके बाद एनुअल ग्रोथ पॉपुलेशन देखा जाए तो इंडिया का एनुअल ग्रोथ जो है 1.0% है, पाकिस्तान चाइना का 0.46 है और पाकिस्तान का 2.5 है। यानी एनुअल ग्रोथ रेट पाकिस्तान का, चाइना का कम है, सबसे कम है, क्योंकि वहां पे वन चाइल्ड प्लान था, हमारा भी कम है, हमारे यहाँ पे टू चाइल्ड प्लान था। अब प्लान इंप्लीमेंट होना नहीं होना, दैट इज डिफरेंट थिंग। पाकिस्तान की जो है पॉपुलेशन 2.05 है। उसके बाद डेंसिटी गिवन है हमारे पास 455 पर स्क्वायर किलोमीटर, 148 चाइना का है और पाकिस्तान का है 250 275, ये 2017 और 18 का डेटा है। इसी तरह जेंडर रेशियो देखो, 924 पर 1000 में हमारे पास गर्ल्स का जो रेशियो है, बॉयज गर्ल्स का रेशियो पर 1000 बॉयज में 924 गर्ल्स है, और चाइना में देखें तो चाइना में 949 है और 943 पाकिस्तान में। फर्टिलिटी रेट गिवन है 2.2 इंडिया का है, 1.7 3.6 पाकिस्तान का। अर्बनाइजेशन 34% शहर है हमारे इंडिया में, 59% शहर चाइना में, क्योंकि चाइना डेवलप कंट्री और पाकिस्तान में 34% शहर है। तो आपसे पूछेगा क्या, जैसे आपसे पूछ दिया कि हमारी पॉपुलेशन जो है, कंपैरिजन कीजिए कि पाकिस्तान, इंडिया और चाइना की पॉपुलेशन क्या है, आपको बताना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन चाइना की है, उसके बाद इंडिया की और 2.3। अब रीजन पूछेगा कि चाइना की पॉपुलेशन जो है ग्रोथ रेट कम क्यों है, 0.746, तो वहां पे वन चाइल्ड पॉलिसी है। इसी तरह से आपका पहला टेबल पूछेगा। सेकंड टेबल हमारे पास जो है जीडीपी कंट्रीब्यूशन की बात करें, हमारे इंडिया में एग्रीकल्चर में 16% जीडीपी कंट्रीब्यूट होता है, इंडस्ट्री से 34%, और सबसे ज्यादा जीडीपी कंट्रीब्यूशन हमारे सर्विस सेक्टर का है। सर्विस सेक्टर में क्या क्या आता है, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन। उसके बाद पाकिस्तान की अगर एग्रीकल्चर की बात करें, तो इंडिया से ज्यादा पाकिस्तान का जीडीपी कंट्रीब्यूट एग्रीकल्चर करता है, 19% इंडस्ट्री और 57% सर्विस सेक्टर। चाइना में एक पॉलिसी आई थी जो फर्स्ट वीडियो में मैंने, फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, फर्स्ट पार्ट देखोगे तो इंडिया पाकिस्तान चाइना का, उसमें था एक जीएलएफ पॉलिसी, ग्रेट लीप फॉरवर्ड। उसमें क्या था कि एग्रीन इकोनॉमी को उन्होंने कन्वर्ट कर दिया मॉडर्न इकोनॉमी में, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी में, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन वहां पे बढ़ गया और एग्रीकल्चर वहां पे कम हो गया। तो 7% जीडीपी एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट करती है, इंडस्ट्री 41% और सर्विस सेक्टर 52%। ये तो जीडीपी कंट्रीब्यूशन की बात है। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क फोर्स देखो, काम कितना करते हैं, जैसे हमारे हमारे इंडिया में 43% लोग एग्रीकल्चर पे काम करते हैं, 25% इंडस्ट्री में काम करते हैं और 32% सर्विस सेक्टर में काम करते हैं। अब 43 यानी सबसे ज्यादा लोग हमारे जो है वर्क फोर्स किसमें काम करता है, एग्रीकल्चर में, लेकिन सबसे कम जीडीपी हमारा एग्रीकल्चर का ही। उसके बाद पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान में और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसमें काम करती है, एग्रीकल्चर में, तो 24% सर्विस सेक्टर में। इसी तरह आपको कंपैरिजन पूछेगा, चाइना में 26% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर, 28 इंडस्ट्री, 46%
सर्विस सेक्टर में काम करते हैं, यानी सर्विस सेक्टर ज्यादा काम करते हैं चाइना में। तो इसमें पूछ सकता है कंपैरिजन करना है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क फोर्स सबसे ज्यादा कहाँ है, तो एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा, एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे तीनों कंट्री में सबसे ज्यादा वर्क फोर्स कौन सी कंट्री काम करती है एग्रीकल्चर में, तो 43% हमारा इंडिया करेगी, ठीक है, फिर पाकिस्तान है, फिर चाइना है। तो इस तरह से कंपैरिजन पूछ सकता है वर्कफोर्स का और जीडीपी कंट्रीब्यूशन। अब ग्रोथ की बात करते हैं, पहले हमारा जीडीपी एलपीजी तीनों कंट्री में आया, लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन 1978 में चाइना में आया था, 1988 में पाकिस्तान में आया था और 1991 में इंडिया में आया था। तो जीडीपी एलपीजी आने के बाद कितना डेवलप हुआ है देखिए, उनकी जो है एनुअल ग्रोथ रेट कितना बढ़ा है, तो इंडिया का है 5.7, ये 1980-90 के बीच का है, और जो है 2015 और 17 में हमारा जीडीपी कितना हो गया, एनुअल ग्रोथ रेट 7.3% है, चाइना में 10.3 और 6.8, पाकिस्तान में 6.3, इनका जो है जीडीपी कम हो गया, ठीक है। तो ये सब पूछता है, इसमें भी पूछेगा कि आप कंपैरिजन किए तो आप इसलिए कंपेयर कर सकते हैं। ये डेटा मैंने आपके एनसीईआरटी से लिया है, तो एनसीईआरटी का डेटा है, तो एनसीईआरटी का डेटा ही पूछेगा आपसे। उसके बाद है इंडिकेटर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट 2017-18 में, जो हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करें तो हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है, हम लोग इंडिया के डेवलपमेंट की बात करें तो वर्ल्ड में ओवर 95 अराउंड कंट्री है, उसमें हमारा 130 प्लेस है, मतलब हम लोग 130वें स्थान पे हैं, चाइना 87 है और पाकिस्तान 154। तो इनका ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करें तो पाकिस्तान का सबसे कम है, सबसे ऊपर चाइना है इन तीनों कंट्री में। फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है, एवरेज एज ऑफ लिविंग, मतलब कितने साल बचते हैं, एवरेज एज हमारे इंडिया में 69.7 है, चाइना में सबसे ज्यादा एवरेज है, एवरेज एज जो है लिविंग लोग बचते हैं, और पाकिस्तान में जो है एवरेज एज कितनी है 67.3। पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, हमारे इंडिया में पॉवर्टी लाइन में करीब 22 यानी 21.9% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं अभी भी, चाइना में 1.7 है, ये डेटा एनसीईआरटी का है, जो कि पता नहीं चाइना गलत भी दिखाते हैं, तो कोरोना में कम गलत दिखा रहे थे। पाकिस्तान का जो है पॉपुलेशन, सॉरी पाकिस्तान की जो पीपल है जो बिलो पॉवर्टी लाइन है वो 24.3% है। इस तरह से आपने कंपैरिजन पूछेगा, टेबल देगा, आपको टेबल याद नहीं करना है, जैसे एक बच्चा बोला सर टेबल याद नहीं हुआ, तो याद करने नहीं आपको, आपको सिर्फ जो टेबल गिवन होगा पेपर में उस टेबल के हिसाब से आपको एनालाइज करना है, ठीक है। तो आपका फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट दोनों पार्ट अगर आप देख लेते हो, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया पाकिस्तान चाइना का, तो आपका दोनों ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। प्लीज अगर आपको ये जो डेटा अगर याद नहीं होता है तो आप उसको बार बार वीडियो को देखते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, जितने ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करो। थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं।